धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम अमेठी में सोमवार की सुबह जमीन विवाद को लेकर पति पत्नी ने सब्बल से सिर पर हमला कर एक व्यवसायी की हत्या कर दी। अर्जुनी पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि सोमवार को यह घटना सुबह 10 बजे की बताई गई है। शहर के निकट ग्राम अमेठी में उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के मैत्री विहार कॉलोनी निवासी गवर्नमेंट सप्लायर राजेंद्र पारक पिता स्वर्गीय घेवर चंद ग्राम अमेठी में स्थित अपनी जमीन पर काम कराने के लिए गए हुए थे। तीन मजदूरों को लेकर वह जैसे ही गाँव पहुँच कर अपनी जमीन पर साफ सफाई का काम करवाने लगे, तभी पास में ही रहने वाले फिरंगी निर्मलकर के साथ जमीन विवाद को लेकर उनकी बहस हो गई। जैसे ही वह अपनी जमीन पर काम शुरू किया तभी बिजली भी बंद हो गई। इसी बीच पानी की जरूरत होने पर तीन में से दो मजदूर पानी लाने के लिए भेज दिए गए और मौके पर एक अन्य मजदूर नेत्रराम साहू मौजूद था। पड़ोसी फिरंगी निर्मलकर से बहस होने के बाद देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस बीच फिरंगी लाल की पत्नी कुलेश्वरी बाई भी आ गई। बात बढ़ने के बाद फिरंगी लाल ने लोहे का रॉड उठा लिया और ताबड़तोड़ उनके सिर पर वार कर घायल कर दिया। अचानक हुए इस वार से व्यवसायी राजेंद्र पारक वहीं ढेर होकर गिर गए। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र के सिर से भेजा बाहर निकल आया और चंद मिनटों में ही उनकी सांसें उखड़ गई। इस घटना के चश्मदीद मजदूर नेत्रराम साहू ने जब बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा तो फिरंगी लाल ने लोहे का रॉड लेकर उसकी ओर भी दौड़ पड़ा। तब नेत्रराम ने किस तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। सोचने वाली बात यह है कि जिस जगह पर यह घटना हुई वहां आसपास गांव के कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सामने आकर उनका बीच बचाव कर सके। घटना के बाद साथ में गए मजदूरों ने संपर्क साधकर उनके परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद व्यवसायी राजेंद्र पारक के पुत्र अपने सहयोगी के साथ गाँव पहुँचे और किसी तरह अपने पिता को स्कूटी में बैठा कर इलाज के लिए धमतरी ले गए। इसी बीच रास्ते में उनकी मौत हो गई। बठेना अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या की ये बात जैसे ही शहर में फैली, बड़ी संख्या में व्यापारी बठेना अस्पताल पहुंचे और घटना को लेकर अपनी नाराजगी जताने लगे। बताया जा रहा है कि मृतक जैन समाज का कोषाध्यक्ष था। इस संबंध में एडिशनल SP निता पाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। थाना अर्जुनी क्षेत्र के निवासी हैं राजेंद्र पारक जी, उनकी आज लोहे के रॉड मार करके हत्या की गई है और इसमें जो आरोपी अभी तक सामने आए हैं फिरंगी और फुलेश्वरी निर्मलकर, ये दोनों ही पति पत्नी हैं और इन दोनों को भी हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। इनका पुराना भूमि का विवाद है और अभी तक यही कारण सामने आए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी बातें और सामने बिल्कुल इसमें हत्या का मामला दर्ज करके विवेचना की जा रही है। घटना के बाद आरोपी पति पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक धारा 302 के तहत कार्रवाई कर आगे की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा।